हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि कुछ फैंस को अभी रॉ एंड स्मैकडाउन के एपिसोड उतने कुछ खास नहीं लग रहे होंगे, बिकॉज वहां पर हमें अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस देखने को नहीं मिल रहे। बट गाइस, आप सबको बता दूं, रोमन रेंस का रिटर्न कब होने वाला है एंड उनके प्लान्स क्या कुछ है, सब कुछ हो चुका है रिवील और आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूं बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं, WWE ने बैकलैश पे-पर-व्यू के लिए कौन कौन से बड़े मैचेस कर दिए ऑफिशियल। इसके अलावा रोमन रेंस को किस सुपरस्टार ने कर दिया है चैंपियनशिप के लिए चैलेंज। तो गाइस, सबसे पहले हम उसे सुपरस्टार के बारे में कर लेते हैं बात जिन्होंने रोमन रेंस को किया है चैलेंज अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि है शिंस्के नाकामुरा। तो आप सब जानते ही हो, लास्ट ईयर हमें शिंस्के नाकामुरा एंड रोमन रेंस की फ्यूड टीज होते हुए दिखी थी, बट इनका मैच हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अब शिंस्के नाकामुरा का रिटर्न हो चुका है WWE में और रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने ये बात कही कि वो फिर से WWE के टॉप में जाना चाहते हैं जहां पर वो पहले थे, एंड अब उनके टारगेट WWE में वर्ल्ड टाइटल जीतना है, जो कि वो डे वन से करना चाहते हैं। यानी कि गाइस, शिंस्के नाकामुरा ने ये बात साफ कर दी है कि वो चाहते हैं कि वो रोमन रेंस को हराकर बने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बट हां, अभी शायद से तुरंत ये चीज नहीं होने वाली, क्योंकि कैरियन क्रॉस ने टारगेट करके रखा है शिंस्के नाकामुरा को, तो इनकी फ्यूड हमें पहले देखने को मिलेगी, उसके बाद में भी हो सकता है शिंस्के नाकामुरा हमें जाते हुए दिखे रोमन रेंस के अगेंस्ट चैंपियनशिप के लिए। यानी कि अब एक और नाम ऐड हो चुका है रोमन रेंस के चैलेंजर्स के लिस्ट में। वैसे आप क्या देखना चाहते हो रोमन वर्सेस शिंस्के नाकामुरा का मैच चैंपियनशिप के लिए, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ली जाए कि कौन कौन से बड़े मैचेस हो चुके हैं ऑफिशियल बैकलैश के पे-पर-व्यू के लिए। देन गाइस, जैसा कि इस वीक का रॉ काफी लोगों को पसंद आया एंड फाइनली सेथ रॉलिंस भी आ चुके हैं वापस, यानी कि उनकी एंड WWE की जो भी इशू थी वो हो चुकी है सॉल्व। बट हां, इस वीक के रॉ में हमें दो काफी बड़े मैचेस ऑफिशियल होते हुए दिखे बैकलैश पे-पर-व्यू के लिए। सबसे पहला मैच है ब्लड लाइन वर्सेस सैमी जेन, केविन ओवेंस एंड रिडल के बीच। तो एक्सपेक्टेड ही था कि ये सिक्स मैन टैग टीम मैच हमें बुक होता हुआ दिखेगा और WWE ने इस चीज को इस वीक के रॉ में कर भी दिया है ऑफिशियल। वहीं हमें कोडी रोड्स इस वीक के रॉ में देखने को मिले थे, जो कि कॉल आउट करते हैं ब्रॉक लेसनर को, लेकिन वहां पर एडम पियर्स आ जाते हैं एंड वो कोडी रोड्स को फाइट करने से रोकते हैं और ये चीज बोलते हैं कि तुम्हें ये करने का मौका मिलेगा बैकलैश के पे-पर-व्यू में, बिकॉज मैं ऑफिशियल कर रहा हूं ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। उसके बाद वहां पर ब्रॉक लेसनर भी निकल कर आते हैं, लेकिन कोडी रोड्स अटैक नहीं कर पाते बिकॉज वहां पर काफी सारी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थी, जिनमें से कुछ पर अटैक भी किया कोडी रोड्स ने एंड कुछ ने उन्हें रोक लिया। बट हां, कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है बैकलैश पे-पर-व्यू के लिए। वैसे गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है इस बड़े मैच में यहां पर किसकी जीत होने वाली है, कोडी रोड्स की या फिर ब्रॉक लेसनर की। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि रोमन रेंस का रिटर्न हमें कब देखने को मिलने वाला है एंड उनके प्लान्स क्या कुछ है। तो आप सबको पता ही है, रोमन रेंस ने रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को हराकर रिटेन की थी अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। उसके बाद वो हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिले, जहां पर उनकी वजह से ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स की फ्यूड सेटअप हुई। बट रोमन रेंस हो गए WWE से गायब, जिसकी वजह से कुछ फैंस को अभी WWE देखने में मजा नहीं आ रहा हो, बिकॉज रोमन रेंस तो मिसिंग ही है, साथ ही साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मिसिंग है WWE से। लेकिन गाइस, आप सबको रोमन रेंस को देखने के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि WWE ने ये बात कर दी है अनाउंस कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन से हमें ड्राफ्ट शुरू होते हुए दिखने वाला है। यानी कि इसके बाद का जो स्मैकडाउन होने वाला है उसमें हमें ड्राफ्ट शुरू होते हुए दिखने वाला है और वो कंटिन्यू रहने वाला है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ में। और गाइस, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस आप सबको ड्राफ्ट में मौजूद रहते हुए दिखने वाले हैं एंड मे बी वो हमें दोनों नाइट्स पर देखने को मिल सकते हैं। बट हां, एक नाइट पर वो आप सबको डेफिनेटली से देखने को मिलेंगे। सो इसकी बात की जो स्मैकडाउन होने वाली उसमें आप सबको रोमन रेंस देखने को मिल सकते, नहीं तो अगर वो दोनों नाइट पर हमें देखने को मिलने वाले तो आप सब मानकर चल सकते हो कि रोमन रेंस आप सबको ड्राफ्ट होते हुए दिखने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में। बिकॉज ये बात तो साफ है कि रोमन रेंस किस ब्रांड पर रहने वाले वो आप सबको डे वन में पता चल जाएगा। यानी कि रोमन रेंस को कोई सा ब्रांड सबसे पहले ही लेगा और वो अगर वो स्मैकडाउन का पार्ट रहते हैं देन फिर वो हमें नेक्स्ट रॉ में क्यों ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये बात कंफर्म होती है कि मंडे नाइट रॉ चुनने वाला है रोमन रेंस को, देन आप सबको रोमन रेंस उसके बाद की रॉ में देखने को मिल सकते हैं। और अगर रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ में जाते हैं तो ये बात साफ है काफी कुछ बदलने वाला है। यानी कि वर्ल्ड टाइटल तो जाने वाली है रॉ में एंड रॉ से हमें कई सारे बड़े सुपरस्टार्स स्मैकडाउन में जाते हुए दिखने वाले, जैसे कि सेथ रॉलिंस, बॉबी लेस्ली, एज वगैरह सारे को स्मैकडाउन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस को कोई सा भी ब्रांड चुनता है चैंपियनशिप के साथ तो वो फायदे में ही रहने वाला है। बट हां, ज्यादा चांसेस है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन में रहेंगे। लेकिन हां, अभी रॉ जिस तरह से बैटर कर रहा है देखकर लग रहा है फिर से कहीं WWE रॉ को एसो बनाने के बारे में ना सोच रही हो। अगर ऐसा होने वाला है तो रोमन
ओबेडियंस आप सबको फिर से मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल सकते हैं पहले की तरह। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हो रोमन रेंस कौन से ब्रांड में ड्राफ्ट हो, रॉ में या फिर स्मैकडाउन में। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।